जी हाँ दोस्तों, UIDAI की तरफ से आप सभी को जो है एक नया अपडेट मिल चुका होगा कि अभी आप लोग जो है निःशुल्क अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं, जो कि इतने दिनों तक जो है पेमेंट के द्वारा किया जा रहा था। अगर आप लोग आधार एनरोलमेंट सेंटर में जाके करते थे तो उसके लिए 50 रुपीज़ आप लोगों को चार्ज करना पड़ता था, और अगर आप OTP के थ्रू खुद से ही करते थे तो आपको 25 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ता था, जो कि अभी UIDAI की तरफ से ऑफिशियली निःशुल्क कर दिया गया है। और मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि किस तरीके से अपना जो है डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपना आधार कार्ड 10 ईयर्स पहले बनवाया था और किसी भी तरीके का अपडेट नहीं किया है तो जो है अभी आप लोग घर बैठे निःशुल्क कर सकते हैं। और किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगा पूरी डिटेल्स मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को PC पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा हमारा जो है यूट्यूब का पेज खुला हुआ है। यहाँ पर आप लोग पैन कार्ड रिलेटेड, ई डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ पा सकते हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाते हैं, जहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि डिड यू गेट योर आधार इशूड 10 ईयर्स बैक एंड नेवर गॉट इट अपडेटेड। इसका मतलब है अगर आपने अपना आधार कार्ड 10 साल पहले बनवाया था और उसमें कुछ भी आपने अपडेट नहीं किया, तो अभी जो है अपडेट करने का जो है प्रोसेस चल रहा है, और जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी एनरोलमेंट सेंटर में जाके करवाते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपीज़ देना पड़ता था, और अगर आप खुद से OTP के थ्रू करवाते थे तो उसके लिए आपको 25 रुपीज़ देना पड़ता था, जो कि अभी निःशुल्क कर दिया गया है UIDAI की तरफ से। तो इस लाभ का आप लोग सुविधा जरूर उठाएं, ठीक है दोस्तों, और अपने परिजन तथा दोस्तों को भी ये सजेस्ट करें कि इस सुविधा का लाभ उठाएं। तो चलिए अभी हम लोग जो है प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इस प्रोसेस को करने के लिए, आपको अगर खुद से आप करते हैं तो आधार में मोबाइल नंबर अपडेट रहना सबसे ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ताकि OTP के थ्रू हम जो है अपने आधार के अकाउंट में लॉगिन करके उसके बाद हम ये काम कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी वेलकम टू आधार, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा लॉगिन का ऑप्शन, जहाँ पे हम लोग लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाएगा और कैप्चा फिल करके सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में OTP आता है, उसे आप यहाँ पर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर जो है आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे हम लोगों ने आधार जो है नंबर वो टाइप कर लिया। अभी हम जो है कैप्चा फिल कर लेते हैं, जैसे है यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जो भी लिखा हुआ है उसे हम लोग यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेते हैं। अगर कैप्चा गलत होता है तो आप फिर से टाइप कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेंड OTP पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही OTP मेरे मोबाइल पर रजिस्टर होता है तो मैं वहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मेरा खुद का कर रहा हूँ तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, और मैं भी ध्यानपूर्वक कर रहा हूँ ताकि किसी भी तरीके की गलती ना रहे। मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यही OTP मेरे में रिसीव हुआ है, और इसे डाल के अभी हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग लॉगिन करेंगे यहाँ पे जो है मेरा आधार वाला अकाउंट खुल जाएगा, और यहाँ पे कुछ सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे कि डाउनलोड आधार, अपडेशन, और भी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो जुड़े रहिए, और जितने भी पुराने हमारे VLE भाई या फिर कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है तो वो यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि आधार का पोर्टल में अभी काफ़ी सारा काम चल रहा है, इस वजह से जो पोर्टल भी है स्लो चल रहा है, साइट भी डाउन चल रहा है। तो हम लोग पेशेंस रखे ये काम करेंगे। तो आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे अगर मैं अपना आधार डाउनलोड करना चाहूँ तो यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर PVC कार्ड चाहिए तो मैं यहाँ से ऑर्डर कर सकता हूँ। अगर नेम वगैरह में कुछ करेक्शन करना हो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें जो है डॉक्यूमेंट्स अपडेशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और नीचे आप सभी को दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट्स अपडेट, और यहाँ पर जो है आपको लास्ट डेट जो है इसका मतलब जब तक फ्री है 14/6/2023, ठीक है दोस्तों। तो इतनी डेट तक जो है आपको ये निःशुल्क में ये सुविधा मिलती रहेगी, उसके बाद आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस लाभ का आप लोग सुविधा ज़रूर उठाइए। और यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ यहाँ पर एडवाइस वगैरह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कुछ एडवाइस लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल, यहाँ पर डेट फिर से मेंशन किया है। तो आप सभी को यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है दोस्तों,
जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं फिर से यहाँ पे आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस वगैरह लिखा हुआ रहेगा, आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेशन के लिए मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा मेरा नाम वगैरह डिटेल्स पूरा यहाँ पर जो है दिया गया है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर जो है आई वेरीफाइड डेट अबव डिटेल्स आर करेक्ट, तो यहाँ ऊपर जितने भी सारे डिटेल्स है वो सारे मेरे करेक्ट हैं, मुझे यहाँ पर कोई भी करेक्शन करवाना है नहीं, मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी देखते रहिए, मैं खुद का ही कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ आप सभी के सामने। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्लियरली गाइडलाइंस लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स अपडेट का कि डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB, 2 MB से नीचे होना चाहिए और जो सपोर्टेड फॉर्मेट है वो है JPG, PNG एंड PDF। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग PDF बना लें ताकि वो क्लियरली दिखे और जो वो फटता नहीं है, एकदम क्लियर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को PDF रिकमेंड करूँगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है ड्रॉपडाउन से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, गवर्नमेंट आईडी, इंडियन पासपोर्ट और काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ पर आप सभी को दिख गया होगा। तो यहाँ पर मैं प्रूफ ऑफ आईडी के लिए पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों ही जगह आप लोगों को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप वोटर आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए पैन कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दोनों ही मैंने PDF में बना लिया है। तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा डॉक्यूमेंट एडवेंस की किस तरीके से क्या अपलोड करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि द पैन कार्ड ई पैन कार्ड मस्ट हैव नेम और फोटोग्राफ ऑफ द रेसिडेंट। तो पैन कार्ड में मेरा नाम भी है और फोटो भी, तो इसे मैं आराम से यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स एंड अपलोड, उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट करेगा अपने PC के फोल्डर पे जहाँ पर जो है आपने सेव किया हुआ वो डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए हम लोग यहाँ से जो है वो पिक कर लेते हैं। तो मैं अपने फोल्डर पे जाता हूँ जहाँ पे भी मैंने डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने PDF पर कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ पर हम लोग पैन कार्ड को जो है अपलोड कर चुके हैं पूरा 100% यहाँ पर होने दीजिए और यहाँ पर जो है इमेज को आने दीजिए, उसके बाद आप लोगों के लिए जो है नेक्स्ट बटन इनेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 100% हो गया है और जो यहाँ पर पैन कार्ड का जो है इमेज बन के आ जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, आप लोग बने रहिए। आप लोग वेट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा बहुत इशू के वजह से ये नहीं हो पा रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से जो है आपको अपलोड करना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने प्रूफ ऑफ आईडी तो पैन कार्ड जो है डाल दिया है, लेकिन यहाँ पर आप सभी को दिख गया होगा कि यहाँ जो है पैन कार्ड का एक फ़ोटो छिप के आ गया है, मतलब ये अच्छे तरीके से क्लियरली अपलोड हो चुका है। तो अभी हम लोगों को जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए और एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्रूफ ऑफ आईडी के लिए। ठीक है, POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और अभी हम लोगों को अपलोड करना है प्रूफ ऑफ एड्रेस जहाँ पर आप सभी को जो है वोटर आईडी या फिर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप सभी को मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ पर जो सेटिस्फाइड हो, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो वही आप लोग अपलोड करें। तो यहाँ पर मैं अपना वोटर आईडी जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर फिर से डॉक्यूमेंट्स एडवाइजरी दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियरली अपलोड करना रहेगा, बस वही सब लिखा हुआ है। तो इसको हम ओके कर लेते हैं और फिर से व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों को मैं फुल डिटेल्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है सारा, तो मैं यहाँ से जो वोटर आईडी जो है PDF में बना के रखा हुआ उसको मैं फिर से अपलोड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये भी अपलोड होने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप लोग वेट कीजिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पर 100% हो गया और आप नेक्स्ट पे चले जाते हैं तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से अपलोड नहीं होगा, फिर आपका जो है कैंसिल हो जाएगा और जो भी आपका वो प्रोसेस में ही रह जाएगा। तो जैसे आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर फिर से मेरा वोटर आईडी जो है अच्छे तरीके से आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों को
जो है यहाँ पर फिर से आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और नीचे कुछ चेक मार्क है उसको आपको टिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप यहाँ पर टिक कर लेते हैं तो इसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद आपको फिर से कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा। अगर सारा कुछ आपने सही तरीके से डाला है तो आप ओके कर सकते हैं या फिर कैंसिल करके दोबारा आप चेक करके अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने सही तरीके से डाला है तो ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा दोस्तों, आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बहुत आगे आप सभी को दिखाऊंगा कि डियर रेसिडेंट दिस सर्विस इट फ्री ऑफ कॉस्ट टिल, फिर से वही लिखा हुआ है कि इतने तारीख तक आपको फ्री में मिल जाएगा। तो हम इसको फिर अभी सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता तो आपको पेमेंट का जो है पेज रिडायरेक्ट हो जाता है, जैसे कि UPI वगैरह में होता है। तो एस्टिमेट टाइम यहाँ पर दिखा रहा है और जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है सक्सेसफुल्ली जो है ये फॉर्म सबमिट हो चुका है और यहाँ पर अमाउंट आप सभी को जीरो दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग जो है इस एक्नोलेजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं ताकि फर्दर हम इन फ्यूचर इसे चेक कर सके कि ये अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप सभी को दिख रहा होगा मेरा एक्नोलेजमेंट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो आप भी इस सुविधा का लाभ उठाइए और अपने परिजनों दोस्तों तथा अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके का वीडियो आप लोगों को मिस ना हो। तो जय हिंद दोस्तों।